हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपने घर में रह रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बड़ों का आदर कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में और आज हम लेकर आए हैं आपकी तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से पाठ 14, जिसका शीर्षक है हमारे त्यौहार, यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में फेस्टिवल्स बोलते हो, यानी कि त्यौहार। तो आज का शीर्षक है हमारे त्यौहार। तो बच्चों, हम त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे। त्यौहारों का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। त्यौहार हमारे जीवन में खुशी, उत्साह और एकता का संदेश लेके आते हैं। इनके माध्यम से हम अपने परिवार और अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ साझा खुशियों का आनंद लेते हैं। किन्हीं 6 त्यौहारों के नाम बताओ बच्चों, आपके कितने सारे त्यौहार दिख रहे हैं। देखो, दीपावली है, होली है, ईद है, रक्षाबंधन है, दशहरा है, पोंगल है, ओणम है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। हमारा देश त्यौहारों का ही देश है, त्यौहारों से भरा हुआ हमारा देश में अलग अलग तरह खूब सारे राज्य हैं और अलग अलग त्यौहार होते हैं। उसके बाद भी हम सब लोग एक हैं। जी हाँ बच्चों, त्यौहार का अर्थ खुशी भी है, क्योंकि जब त्यौहार आता है तब हमारी उदासी भाग जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं ना। अरे दिवाली आने वाली है, खूब सारे पटाखे छुड़ाएंगे, फुलझड़े छुड़ाएंगे, घर साफ करेंगे, घर सजाएंगे, खुशी आ जाती है ना। उदासी भाग जाती है। भागती दौड़ती जिंदगी में त्यौहार हमें ठहरने का अवसर देते हैं, खुशियों का लेन देन सिखाते हैं और हम त्यौहारों के बहाने अपनों से मिलते हैं और अपनी खुशियाँ अपनों के साथ साझा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत देश त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। उनकी वेशभूषा, बोली, वाणी, खान पान में भिन्नता होने के बाद भी वे प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ अलग अलग अवसरों पर तरह तरह के त्यौहार मनाने के चलन है। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा देश माना जाता है। यहाँ कुछ त्यौहार धर्म से संबंधित हैं, कुछ राष्ट्र से जुड़े हैं, कुछ फसलों के पकने पर मनाए जाते हैं। मनाए जाने वाले त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहारों के रूप में हम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर खूब जोश के साथ मनाते हैं ना जोश के साथ। 15 अगस्त वाले दिन स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे वाइट यूनिफॉर्म होती है, वाइट ड्रेस पहनते हैं, सफ़ेद ड्रेस पहन के देशभक्ति के गीत गाते हैं, हम देशभक्ति से रिलेटेड जो कुछ नृत्य भी करते हैं और हम स्पीच सुनते हैं बड़ों प्रिंसिपल सर की, मैडम की, बहुत अच्छे अच्छे हम सब देशभक्ति से संबंधित हम बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों का प्रतीक है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, खूब सारी लाइट्स जलती हैं ना, दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, तो उसे प्रकाश पर्व के रूप में भी माना जाता है। यह जीवन से अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन निभाता है। दशहरे के दिन हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। तो देखा आपने, हर त्यौहार से हम कुछ ना कुछ शिक्षा लेते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, अर्थात ईद उल फितर, जिसमें पहले वे रमज़ान के पूरे महीने रोज़े यानी कि उपवास रखते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं और लौटकर सभी मज़े से मीठी सेवैयाँ खाते हैं। तो ईद पर ये होता है। सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरुपूरब कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शब्द कीर्तन होते हैं, सिख भाई गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। और इसी प्रकार ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को
त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियां, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटता है। तो आपने देखा बच्चों, अलग अलग त्यौहारों पर अलग अलग कितना अच्छा अच्छा होता है। और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इन सब त्यौहारों के साथ साथ यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं। त्यौहार कोई भी हो बच्चों, हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। तो बच्चों, सुना आपने और आपने पढ़ा कितने अच्छे अच्छे त्यौहार होते हैं और सब त्यौहार कुछ ना कुछ संदेश लेकर आते हैं। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द, वेशभूषा, वचन, त्यौहार, ईदगाह, धूमधाम, प्रसन्नता, अंधकार और उत्साह। और हम हैं शब्दार्थ, क्षेत्रों यानी इलाकों, आधारित, निर्भर, उत्साह, जोश या उमंग, प्रतीक चिन्ह, प्रकाश पर, रोशनी का त्यौहार, प्रसन्नता यानी खुशी, आजीवन, जीवन भर, दुर्गुण, दोष, अन्याय, न्याय का ना होना, मत्था टेकना यानी कि सिर नवाना या झुकाना, उपहार यानी भेंट या सौगात, एकता, एक होने का भाव और संदेश यानी सूचना या खबर। और अब हमसे पूछा गया है, सबसे पहले भारत में कितने प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में अनेकों प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी होते हैं, कुछ फसल के पकते के भी त्यौहार होते हैं। हर एक बहुत सारे अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। दशहरे पर हम क्या करते हैं, दशहरे पर हम मेला लगता है जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। ईद का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, ईद का त्यौहार मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। सेंटा क्लॉज उपहार देने कब बांटने धरती पर उतरते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं 25 दिसंबर को उपहार देने के लिए आते हैं। अब हमें सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। हमारे त्यौहार किस पर आधारित है, धर्म पर, अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर, समय पर या इन सभी पर। हमारे त्यौहार आधारित हैं इन सभी पर, अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर भी, समय पर भी और धर्म पर भी। जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक कौन सा त्यौहार है, जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का जो प्रतीक का कौन त्यौहार है वो है होली, रंग बिरंगी होली। भाई बहन के त्यौहार के प्यार का त्यौहार कौन सा है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार है दशहरा, गुरुपूरब, राखिया, होली है राखी, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ओणम का त्यौहार केरला में मनाया जाता है या मेघालय में मनाया जाता है या असम या सिक्किम में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, केरल में। और अब हमें क्या करना है, अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भारत देश का देश माना जाता है, क्या आएगा, भारत देश त्योहारों का देश माना जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार किसको कहते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं जो राष्ट्र में, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, ये सब जो होते हैं इनको राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर इनको राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। इस्लाम धर्म में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इस्लाम धर्म में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। सभी त्यौहार जीवन में प्रसन्नता उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। भारत को प्रधान देश माना जाता है, कौन सा प्रधान, कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो अभी हमने क्या किया, हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, वाक्यों के सामने सही या गलत। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, बताइए आप गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये सही है। 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहा जाता है, जी हाँ सही है। ओणम त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है, जी नहीं गलत है।
गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और बिहू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। जी नहीं, बिहू केरल में नहीं, बिहू तो असम का त्यौहार है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने वाक्यों के सामने सही के सामने सही के और गलत के सामने गलत लिखा। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हमें त्योहारों को उनके उचित स्थानों से मिलाना है। तो सबसे पहले है पोंगल, पोंगल को हमने मिला दिया तमिलनाडु से, ठीक। और ओणम को मिला दिया हमने केरल से, लोहड़ी मिलाई हमने पंजाब से, पंजाब की लोहड़ी, और बिहू हो गया आसाम से। तो हमने इन त्योहारों को इन वाले राज्यों से मिलान कर दिया कि कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। और अब है हमसे प्रश्न उत्तर पूछे हैं, भारत में कौन कौन से त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, सभी त्यौहार, बिहू, पोंगल, ओणम, सभी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को टीका करती है, उसको राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, और भाई भी उसे कुछ उपहार देता है और आजीवन उसकी रक्षा करने के लिए वचन देता है। ईद के दिन मुसलमान भाई क्या करते हैं, ईद के दिन मुसलमान भाई पहले ईदगाह जाते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक बोलते हैं और फिर अपने घर पर मीठी मीठी सेवइयाँ खाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। सिख धर्म को मानने वाले गुरुपूर्व कैसे मनाते हैं, सिख धर्म को मानने वाले जो सिख भाई लोग हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारे का जो है रंग बिरंगी रोशनियों से सजाते हैं, वहाँ पे शब्द कीर्तन होता है, जो होता है भंडारे चलते हैं, इस तरह से वो लोग गुरुपूर्व को मनाते हैं। सभी त्यौहार हमें क्या संदेश देते हैं, सभी त्यौहार हमें यह संदेश देते हैं कि हम अलग अलग राज्य में हैं, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारे सारे त्यौहार अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग एक हैं। ये हमें एकता का संदेश देते हैं कि हम सब लोग अलग अलग होते हुए भी हम जो हैं हमारे अंदर जो सबके लिए बहुत ही प्रेम का देते हैं, उत्साह का देते हैं और एकता का संदेश देते हैं। और इसके साथ ही बच्चों हमारा ये वाला पार्ट यहीं समाप्त हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पार्ट से अपने नए नए अपने देश के त्योहारों के बारे में जानकारी ली होगी। तब तक के लिए आभार।